समय हम अर्की विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्की के विधायक स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के निधन के बाद यहां पर उपचुनाव हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर मौजूद है। उनसे जानते हैं किस तरह से इन उपचुनाव में कांग्रेस जो है जीत हासिल करने वाली है। उपचुनाव है, बगावत के सुर भी है, इनसे किस तरह से पार पाएगी कांग्रेस जो जीत हासिल करने वाली है। देखिए, किसी भी पार्टी की जो जीत है वो इसलिए नहीं सुनिश्चित होती कि चुनाव हुए और आप एकदम सक्रिय हो। संगठन को बराबर सक्रिय रहना पड़ता है, और आप देख रहे होंगे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी काफ़ी समय से सक्रिय है। जो भी जनहित के मुद्दे हैं और सरकार के जो जन विरोधी निर्णय हैं, उन निर्णयों को लेकर लगातार जो है कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रही है। चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे प्रदेश में जिस विकास को विराम लग गया हो, विकास का मुद्दा हो, हम हर मुद्दे को लेकर मुखर हैं और समाज के हर वर्ग के साथ कांग्रेस पार्टी जो खड़ी नजर आई है। ये लगता है कि आज जो संगठन हमारा सक्रिय हुआ है, जिस तरह से हमने जमीनी स्तर में काम किया है, उससे कांग्रेस पार्टी को इन चुनावों में फायदा होगा। ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें, चाहे केंद्र में हों चाहे हिमाचल में हों, उनके खिलाफ सत्ता विरोधी रुझान है, लेकिन उनका विरोध हमारी ताकत नहीं है। हमारा जो संगठन है वो भी हमारी ताकत है। संगठन में एकजुटता बढ़ी है, इसी एकजुटता के बल पे हम जो है संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये ठीक है, जब टिकट आवंटन होता है तो बहुत सारे लोग योग्य भी होते हैं, उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है तो गुस्सा भी होता है। मुझे लगता है ये क्षणिक गुस्सा है। अगर आप इस क्षेत्र की बात करते हैं तो क्षणिक गुस्सा है। वो हमारे परिवार के लोग हैं, उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम देर सवेर उनको मनाने में सफल होंगे और वो पार्टी की जो मुख्य आधार है उसमें सम्मिलित होकर हम लोग इकट्ठे होकर जो है इस चुनाव की लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन अगर फिर भी बगावत के सुर दिखते हैं तो पार्टी हाईकमान आने वाले समय में क्या करने वाला है? देखिए, मैं जीवन में कभी नकारात्मक नहीं सोचता, मैं हमेशा पॉजिटिविटी के साथ चलता हूँ। मुझे जब पूरा विश्वास है कि हम लोग मनाने में सफल होंगे तो हम नेगेटिव क्यों सोचते। तो वीरभद्र के नाम पे चुनाव लड़े जाएंगे या फिर कोई अन्य मुद्दे हिमाचल में रहने वाले हैं? देखिए, वीरभद्र सिंह जी का एक अपना कद रहा है, वो हिमाचल प्रदेश के विकास पुरुष हैं। निश्चित तौर पे उन्होंने जो हिमाचल के लिए काम किए हैं उन्हें भी हम बुनाएंगे, लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि संगठन की अपनी ताकत है, हम उस ताकत के बल पर और जो सरकार की जन विरोधी नीतियाँ हैं उन नीतियों के खिलाफ जो है हम चुनाव लड़ेंगे। सीएम जयराम ठाकुर इस समय ये कह रहे हैं कि मंडी, क्योंकि मंडी इन चारों उपचुनाव में एक अहम चुनाव माना जा रहा है, वो ये भी कह रहे हैं कि मंडी हमारी थी, हमारी है, हमारी ही रहेगी, उसको लेकर कांग्रेस किस तरह से देख रही है? देखो, अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो सोच है उसमें मुझे अधिनायकवादी जो सोच है वो बू आती है। हमारा क्या है, लोकतंत्र में कौन किसका होता है? आप ये बताइए, कांग्रेस इतने सालों में रही, उस वक्त तो कहीं भाजपा नहीं थी। हम इतने साल रहे, उसके बाद बीजेपी आई, जनता पार्टी आई, फिर कांग्रेस आई, अब ये लोग सत्ता में आए। तो लोकतंत्र में कोई हमारा नहीं होता, लोकतंत्र में जो जनता फैसला करती वो सर्वोपरि होता है। अगर इनका मंडी था तो ज़रूरी नहीं इनका होने वाला, क्योंकि अभी जिस ढंग से मंडी क्षेत्र में हम लोगों ने दौरा किया और मंडी में पार्टी संगठित होकर नजर आई, बहुत सारे इनके जो शुरुआत थे वो चुनाव मैदान से भाग खड़े हुए। महेश्वर सिंह चुनाव क्यों नहीं लड़े, महेंद्र सिंह चुनाव क्यों नहीं लड़े? आपने एक नए व्यक्ति को जिनकी जनता में पहचान नहीं है आपने उनको टिकट दिया, इसलिए कि आपके स्थापित नेता जो है भाग। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये उनकी पराजय की तरफ पहला कदम। तो आप ये मानते कि चारों उपचुनाव कांग्रेस जीतने वाली है? मैं तो पहले दिन से आश्वस्त हूँ। तो ये थे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस प्रदेश में होने वाले चार उपचुनाव में जीत हासिल करेगी। ईटीवी भारत हिमाचल प्रदेश के लिए अर्की से योगेश शर्मा।